ये शिरकत करने के लिए आ रहे हैं और कुछ इंडिया आ भी चुके हैं, तो इसमें ये प्रोग्राम पूरी तरीके से समाज को समर्पित रहेगा और इसमें समाज के लिए जो कार्य करने वाले लोग हैं, 10 बच्चे इसमें छांटे जा रहे हैं जिन बच्चों ने अपनी अपनी परीक्षा में टॉप किया है, 10 आर्टिस्ट छांटे जा रहे हैं, 10 खिलाड़ी छांटे जा रहे हैं, 10 सोशल वर्कर छांटे जा रहे हैं। इस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है करीब 100 लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को इस कार्यक्रम के अंदर उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको ट्रॉफी दी जाएगी। मैं LIC के प्रोग्राम में हूँ इसलिए LIC में अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, LIC में आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है, तो KP चौधरी साहब से सवाल ही पूछ लेते कि क्या रेलवे में हो रहा है, रेलवे के कर्मचारी विरोध नहीं कर रहे, सर इसका कोई खतरा नहीं है ना, आप SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के लिए जनरल से देखिए, इसमें एक चीज़ है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो डायरेक्ट कॉरपोरेशन का यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का सीधा निजीकरण का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से भी SC ST के लोगों का नुकसान LIC में भी हुआ है, LIC उससे अछूता नहीं है। जैसे पार्ट टाइम स्वीपर्स की भर्ती होती थी, चौकीदार की भर्ती होती थी, क्लास 4 की भर्ती होती थी, तो वो स्वीपर जब बनता था तो उसकी तनख्वाह 15,000 रुपया 18,000 रुपया होती थी। आज वही स्वीपिंग का काम कर रहा है लेकिन वो ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा में काम कर रहा है। तो नहीं है सर कि ये मूर्ति लगा के डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है कि मुंह में अम्बेडकर बगल में छुरी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अगर सच की बात हो तो सच ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति लगाने की बात है, स्टैचू लगाने की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, ये लोगों की देखिए अंतर्भावना का हिस्सा तो नहीं है। जहाँ पर संगठनात्मक दबाव होता है, जहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, जहाँ पर संगठन मजबूती से कार्य कर रहा है, वहाँ पर बाबा साहब का फ़ोटो भी सम्मान के साथ लगा होता है। और मैं तो देखा कि लगे हुए फ़ोटो को भी लोग उतार देते हैं, लेकिन उसके लिए फिर संगठनात्मक ताकत की आवश्यकता पड़ती है। मैं अपने सभी हमारे जो पूरे देश के अंदर हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं SC ST समाज के, OBC समाज के, उनकी ताकत जो उन्होंने दी है संगठन को, संगठन की ताकत के आधार पर ये सारी। छोटा सवाल है, आखिरी सवाल है, बाबा साहब का फोटो का अनावरण हुआ तो सवाल बनता है, आप SC ST एसोसिएशन के वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं ये बात जानता हूं कि बहुजनों की लड़ाई बहुजन ही लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से तमाम सेक्टर्स के प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपका लंबा अनुभव है, लगता है कि अब SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए नौकरियाँ बचेंगी? नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि अगर हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय देश का सरकारीकरण हुआ था, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए थे, तेल कंपनियों का, बीमा कंपनियों का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस राष्ट्रीयकरण के चलते हुए लाखों लोगों को सरकार की नौकरी माने का अवसर मिला था। लेकिन अब जो लोग सरकार की नौकरी में 40 साल 30 साल पहले आए थे, वो लगभग या तो रिटायरमेंट के माध्यम से या VRS के माध्यम से, CRS के माध्यम से नौकरी से बाहर होते जा रहे हैं और ये संख्या घट करके अब बहुत ही नगण्य रह गई है। सर ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको तो भूलिएगा नहीं, 23 नवंबर 2019 ये इंटरनेशनल बहुजन कॉन्फ्रेंस और 70वां संविधान दिवस मनाया जाएगा। मेरा निवेदन है समाज के सभी प्रबुद्ध साथियों से, देश विदेश में जो काम कर रहे हैं अम्बेडकरवादी, जो बुद्धिजीवी समाज के लिए समर्पित हैं, देश के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सभी धार्मिक जो बंधुओं से, कि वो इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत करें, अपने अधिकारों के इस आंदोलन का हिस्सा बने और 23 नवंबर 2019 को प्रातः 10 बजे डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर भीम ऑडिटोरियम 15 जनपथ न्यू दिल्ली पर अवश्य पधारें। जय भीम, नवोदय। निश्चित रूप से मेरे माता पिता ने मुझे ये बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने मुझको बताया और धीरे धीरे मैंने जो गरीबी देखी और गरीबी में लाचारी देखी, मजबूरी देखी, बाबा साहब का मैंने मिशन को पढ़ा, बुद्धिज़्म को पढ़ा, तो मैंने सब चीज़ों को अपने जीवन में महसूस किया और तय किया कि अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूं तो निश्चित रूप से मैं करूंगा। और वही मुझे प्रेरणा मिलती है कि हर रोज़ मैं कोशिश करता हूं कि समाज के हर भाई के, हर बहन के मैं आंसू पूछ सकूं। जो आप देखते हैं कि पेबैक सोसाइटी सिद्धांत को बाबा साहब ने बताया था, उस सिद्धांत को जीवन में उतारने का मैंने व्यवहारिकता में निर्णय लिया था और उसको हर रोज़ मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने जीवन में उतारूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।